दोस्तों, पहले मुझे लगता था कि कांग्रेस के नेता सबसे बड़े स्कैम है, जिन्होंने 150 या 1000 करोड़ में नहीं बल्कि लाखों करोड़ में अलग अलग क्षेत्रों में घोटाले किए हैं। फिर मुझे ये वीडियो मिला। मैंने कहा था दोस्तों, इलेक्टोरल 2024 का चुनाव आते आते ऐसा लगता है कि यूट्यूब पूरा एक न्यूज चैनल बन चुका है। यूट्यूब पर तमाम यूट्यूबर्स ऐसे जो पुराने हैं या नए हैं उभर के आ रहे हैं, जो सरकार के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दों पर, यानी सरकार से कुछ लोग सवाल कर रहे हैं तो वहीं सरकार के कामों को कुछ लोग गिना रहे हैं। तो इस समय YouTube को लेकर के बहुत बड़ा जो है कि मुहिम चली हुई है। वही नरेंद्र मोदी भी जो है कि YouTube पे जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, यूट्यूबर हो चाहे गेमर्स हो, उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और आज के समय में डिजिटल दुनिया तो वैसे भी बहुत बड़ी दुनिया है, इसे लेकर के लोग इस डिजिटल की दुनिया में पूरी तरीके से एकदम घुल मिल गए हैं। आपको बता दें कि ध्रुव राठी कुछ समय से बहुत ज्यादा एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसे लेकर के लगातार ध्रुव राठी को ट्रोल किया जाता है कि विदेश में रह करके अपने देश की बातें कर रहे हैं, हिम्मत हो तो यहाँ आके नहीं करते। मगर अब ध्रुव राठी अपने भारत में भी आए हुए हैं, अब यहाँ आने के बाद भी वह एक वीडियो शॉर्ट्स के रूप में बनाया इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर, जिसे लेकर के यूट्यूबर अजीत भारती ने ट्रोल कर दिया। आपको बता दें, आप सुनिए पहले कि क्या अजीत भारती ने ध्रुव राठी को लेकर के क्या बोला और ध्रुव राठी ने क्या बोला था जिसे लेकर के अजीत भारती ने उन्हें ट्रोल किया। दोस्तों, पहले मुझे लगता था कि कांग्रेस के नेता सबसे बड़े स्कैम है, जिन्होंने 150 या 1000 करोड़ में नहीं बल्कि लाखों करोड़ में अलग अलग क्षेत्रों में घोटाले किए हैं। फिर मुझे ये वीडियो मिला। मैंने कहा था दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। इससे पता चलता है शिक्षा की इम्पोर्टेंस। फिर लगा कि ये आदमी सबसे बड़ा स्कैम है जिसे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि हर पार्टी ने लिया, 2019 से ही कांग्रेस ने इसका विरोध किया, फिर भी 1422 करोड़ के बॉन्ड भुना लिए, वही भारत का इसके लिए सबसे बड़ा स्कैम है। 2G कोयला स्कैम, अगस्टा वेस्टलैंड, टाटा ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ स्कैम, आदर्श घोटाला, कैश फॉर वोट, J&K क्रिकेट एसोसिएशन, एयरसेल मैक्सिस, अंतरिक्ष देवास, पिलेटस ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला आदि तो लाखों करोड़ में, वो स्कैम नहीं है। ये बेचारा कब से हरा पर्दा लगाकर टाइट टी शर्ट पहन के बताना चाह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि पूरा 12,769 करोड़ का है, वो सबसे बड़ा घोटाला है, जबकि केवल कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़ का। फिर याद आता है कि ये वही सेक्सी हसीना है जिसने कोविड के केरल मॉडल पे किताब लिख दी थी और सबसे अधिक केस वहीं से आ रहे थे। इसने लव जिहाद पर केवल 3 केस को सही माना जबकि कोर्ट एवं मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और कहते हैं। राफेल पे इसने 8 मिनट में 7 झूठ बोले और डिक्टेटर वाले वीडियो का तो क्या ही कहना, 10 झूठ दना दन। इसकी पंच का सबसे निकटतम मूर्ख समकक्ष राहुल गांधी ही है। यदि आप राठी के वीडियो देखकर सोचते हैं कि आप फैक्ट देख रहे हैं तो देखते रहिए, हमें मस्तिष्क गिरवी रखकर कुरकुरे खाने वालों को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इस वीडियो के आने के बाद लोग कह रहे हैं कि भैया ऐसे भी कौन ट्रोल करता है। आप भी देखिए कि किन मुद्दों को लेकर के एक दूसरे को ट्रोलिंग अब चलने लगी है सोशल मीडिया, ट्विटर पर।